नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सलमा। सबसे पहले हेडलाइंस। पशु चिकित्सक की लापरवाही से दो बकरियों की हुई मौत, चिकित्सक ताला लगाकर मौके से गायब। पिड़ावा उपखंड का है मामला। पिड़ावा श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का हुआ समापन, प्रवचन व सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भवानी मंडी राजगीर सेठ आनंदलाल पोद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्वयं सेवकों द्वारा शहर के विभिन्न चौराहे पर बनाई रंगोली, छात्रों ने रैली निकाल कर दिया स्वच्छता का संदेश। भवानी मंडी नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर का हुआ आयोजन, 378 जांच व 130 रोगियों का ऑपरेशन के लिए हुआ चयन। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री पहुंचे आवर, सीए विनीत जैन के निधन पर परिवार को दी सांत्वना। अब खबरें विस्तार से। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री बाबूलाल जी वर्मा आवर पहुंचे एवं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विमल जैन पूर्व सरपंच के घर पहुंचकर उनके पुत्र सीए विनीत जैन के निधन पर शोक संतप्त कर परिवार को ढांढस बंधाया। उनके साथ अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य दिनेश जैन करावन, जिला महामंत्री दिनेश अग्रवाल, भवानी मंडी नगर पालिका पूर्व चेयरमैन रामलाल गुर्जर, भाजपा वरिष्ठ नेता द्वारकादास पोरवाल, संजय शर्मा, डग मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह परिहार, जिला उपाध्यक्ष हरमत सिंह, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष संदीप पोरवाल एवं कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिड़ावा के राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में रविवार को पशु चिकित्सक की लापरवाही से दो बकरियों की जान चली गई। कस्बे के कोठरी मार्ग निवासी राकेश माली ने बताया कि वह रविवार को प्रातः 9:15 बजे अपनी दो बीमार बकरियों को उपचार के लिए पशु चिकित्सालय लाया। उस समय पशु चिकित्सक राम नरेश मीणा वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्होंने यह कहकर कि मैं छुट्टी पर हूं, बकरियों को नहीं देखा और चिकित्सालय में ताला लगाकर चले गए। इसके कुछ समय बाद ही उपचार के अभाव में दोनों बकरियों ने दम तोड़ दिया, जिससे गरीब युवक को हजारों रुपए की आर्थिक क्षति हुई। इस पर पीड़ित ने उपखंड अधिकारी राकेश मीणा को ज्ञापन सौंपकर पशु चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद एक स्थानीय महिला भी अपने मेमने को लेकर चिकित्सालय आई थी, लेकिन डॉक्टर के न मिलने से मायूस लौटना पड़ा। क्षेत्र के पशुपालकों का कहना है कि पशु चिकित्सक अधिकांश समय चिकित्सालय से नदारद रहते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आया और डॉक्टर साहब बिना देखे उन्हें चले गए ताला लगाकर। क्या हो रहा था बकरियों को? बकरियों को पापड़ा खा गई थी, तो पापड़ा आ गए थे उनमें और वो बिना देखे ही चले गए यहाँ से। उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी इच्छा पड़े जो करो, मेरे छुट्टी पे हूँ आज, और दोनों मर गई बकरियाँ। पिड़ावा कस्बे के शेर मोहल्ले में स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में दिगंबर जैन समाज मुमुक्ष मंडल एवं जैन युवा फेडरेशन के तत्वाधान में चल रहा श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न हुआ। इस अवसर पर जैन समाज द्वारा कस्बे के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। कस्बे के आदिनाथ जिनालय से बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः जिनालय पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में पुरुष सफेद व महिलाएं केसरिया वस्त्र धारण किए सिर पर मंगल कलश लिए चल रही थी। मंडल विधान के दौरान प्रतिदिन दोपहर 12:30 से पूजन के बाद शाम 6:00 बजे से 6:45 तक पाठशाला का आयोजन किया गया। वहीं शाम 6:45 से 7:30 तक जिनेन्द्र भक्ति, 7:30 से 8:30 तक प्रवचनऊ व 8:30 से 9:00 बजे तक सांस्कृतिक आयोजन किया गया। मंडल विधान सिवनी से पधारे पंडित सुबोध व स्थानीय शास्त्री विवेक शास्त्री, सन्मति शास्त्री, चिन्मय शास्त्री, रितेश शास्त्री, आदित्य शास्त्री के सानिध्य में संपन्न हुआ। विशेष सूचना देखना ना भूले, श्रीमद् भागवत कथा रस ज्ञान यज्ञ का आयोजन गुरुवार 4 जनवरी 2018 से बुधवार 10 जनवरी 2018 तक स्थान महेश वाटिका गोलाना मैरिज हॉल जवाहर कॉलोनी भवानी मंडी में किया जाएगा। वृंदावन धाम से पधारे परम श्रद्धेय नीरज कृष्ण जी महाराज की रसमयी व ओजस्वी वाणी में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाएगी। समय शाम 7:30 से रात्रि 10:00 बजे तक। 9 जनवरी 2018 शाम 7:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक भव्य भजन संध्या श्री गिरिराज मित्र मंडल कोटा द्वारा आयोजित होगी।
भवानी मंडी राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में रविवार को राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्वयं सेवकों द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर सुंदरता के लिए रंगोली बनाई गई। इस दौरान स्वयं सेवकों ने चौराहे की झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। इस दौरान शिविर प्रभारी दिनेश कुमार शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके बाद छात्रों ने स्वच्छता के नारे लगाते हुए शहर के प्रमुख मार्गो से रैली निकाली। भवानी मंडी श्री सदगुरु सेवा संस्थान आनंदपुरा व भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को रामनगर अग्रवाल धर्मशाला में नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर का आयोजन हुआ। परिषद के अध्यक्ष प्रमोद जैन नागौरी ने बताया कि 378 रोगियों की जांच की गई, जिसमें से 130 रोगियों का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया, जिनका ऑपरेशन विदिशा में ले जाकर किया जाएगा। इस दौरान कमल सुरेखा, सीताराम नवाल, कालूलाल पाटीदार, गोविंद भराड़िया, दामोदर दास शुक्ला आदि मौजूद थे। कहीं पार्टियां तो कहीं धार्मिक आयोजन। भवानी मंडी, यह साल चाहे जैसा भी बीता हो, लेकिन नया साल जीवन में नई उमंग और नया उत्साह लेकर आए, इसकी कामना हर कोई कर रहा है। नए साल के स्वागत को लेकर भी शहर में तैयारियां की जा रही है। 31 दिसंबर की रात को जश्न के रूप में मनाया गया है। शहर के होटल, रेस्टोरेंट आदि में देर रात तक भीड़ रही। परिवार के लोगों ने फार्म हाउस पर जाकर डीजे चलाकर नाच गाना कर पार्टी मनाई। जहां एक और पार्टियों की धूम मची हुई है, वहीं दूसरी ओर कई सामाजिक संगठन धार्मिक आयोजन और भगवान की पूजा अर्चना कर नए साल का स्वागत कर रहे हैं। नववर्ष के अवसर पर हनुमान जी की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। कहीं परिवारजनों के द्वारा 31 दिसंबर की रात को सुंदरकांड मंडली के द्वारा घरों पर सुंदरकांड का पाठ करवाया गया है। वह कई लोगों ने आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत किया है। विशेष सूचना, देखना ना भूले श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 1 जनवरी से 7 जनवरी 2018 तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। स्थान कालेश्वर मंदिर, टगर मोहल्ला, भवानी मंडी। कथावाचक श्री माधव मुखिया राजस्थानी। आयोजक संरक्षक रघुनाथ सिंह ठेकेदार, संयोजक नरपत सिंह नरुका, अध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, उपाध्यक्ष राजकुमार पारेता, सचिव दिनेश नागर, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण राठौर, व्यवस्था प्रमुख रघुवीर सह राठौर। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।